पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल मैं खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि वो दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहि सलाम बोलते मानते हैं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उसमत लम यलित वलम यूलत वलम याकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मजहब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरा सवाल यह है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलिम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते, ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है। भाई साहब का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मतलब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाइत कबूल की, पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा, ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के कहो ईमान वालों से, इन्नमल खमरु वल मैसरु, के मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फर्स्ट तो नहीं बोल रहा, तुम इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़ इन नंबर खमरो मैसूरू, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सौ इबन माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम नशा है? सिगरेट पीने का जवाब ज़रा डिफरेंट रहेगा, सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है तो मकरूह है।
लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज स्लो पॉइजनिंग। और कुरान में कहा गया सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन, आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मोहरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद तरक्की करने का पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग टबैको, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां है, आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के जो कहते हैं कि सिगरेट पीना इज स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी वाइन एवरीथिंग चरस गांजा तो बेशक बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माय नेम इज गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते, भले हमारे गुरु भी देते, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो, लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालदा की बात मानूँ, वालदेन की बात मानूँ, या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ। बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालदेन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मज़हबी किताब से, कि हिंदू मज़हबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाल्लाह अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाल्लाह पाना सिस्टर, थैंक यू। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नगई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला कयामत के दिन क्या सज़ा देगा। भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है कयामत में क्या सज़ा। आत्महत्या करना हराम है और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा सही हदीस में आता है उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी कयामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुबहान तआला ने हमें दी है,
और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। आप तमाम हज़रात ने संजीदगी का मुजाहरा किया और आखिर तक हमारा साथ दिया, प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हम आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ इस नशिस्त के अख्तिताम का ऐलान करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। Habib.